हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल शिव टेक स्मार्ट में। आज आप लोगों के लिए एचपी के गेमिंग सीरीज के लैपटॉप की अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूं। और अभी रिसेंटली में ये वाला मॉडल लॉन्च हुआ है मार्केट में, जिसका मॉडल है 15EC0104AX। इसी लैपटॉप की करेंगे आज इस वीडियो में अनबॉक्सिंग। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे इसकी बिल्ड क्वालिटी की और इसकी परफॉर्मेंस की बात करेंगे। अगर आप एक गेमिंग लैपटॉप परचेज करने की सोच रहे हो तो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, बॉक्स को ओपन करने से पहले कर लेता हूं मैं इसके मैन्युफैक्चर की बात। तो मैन्युफैक्चर सितंबर 2020 दी हुई है और वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा आपको ये मार्केट में या ऑनलाइन आपको कितने रुपए में मिल जाएगा। सबसे पहले बॉक्स को कर लेते हैं ओपन। फ्रेंड्स, एक गेमिंग लैपटॉप है, बॉक्स इतना छोटा आया है, क्या सीन है। मैंने अभी आसूस के टफ गेमिंग लैपटॉप की अनबॉक्सिंग की थी, उसका बॉक्स बहुत बड़ा था, लेकिन एचपी का बहुत ही छोटा बॉक्स है। तो फ्रेंड्स, बॉक्स में सबसे पहले अपने को मिल जाता है इसका बेसिक सा यूजर मैनुअल। इनको रखते हैं साइड में और इस बार देखते हैं कुछ इम्प्रूव किया है शायद कंपनी ने। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले पावर केबल की बात करूं तो पावर केबल की क्वालिटी हर बार की तरह ही अच्छी क्वालिटी दी हुई है। और यहाँ इस बार चेंज किया है कंपनी ने एडाप्टर, नहीं अधिकतर तो 65 वोट के ये एडाप्टर देखने को मिलते थे, इस बार दिया हुआ है 150 वोट का एसी पावर एडाप्टर और वही ब्लू पिन के अंदर है। और एडाप्टर पावरफुल होना भी चाहिए क्योंकि ये गेमिंग लैपटॉप है। तो इनको सबको रखते हैं साइड में। सबसे पहले मैं बात करूँ इसको ओपन करने से पहले इसकी थर्मल कोल पैकिंग की, तो वो भी काफ़ी अच्छी दी हुई है कंपनी की तरफ से। इनको रिमूव करते हैं और लैपटॉप को निकाल लेते हैं बाहर। तो फ्रेंड्स, लैपटॉप को निकाल लिया है मैंने बॉक्स से बाहर और आपके सामने फर्स्ट लुक आपको दिख रहा है। मैं सबसे पहले बात करता हूँ इस लैपटॉप में कलर की, तो कलर दिया हुआ है ब्लैक कलर। यहाँ सेंटर में दी हुई है एचपी की ब्रांडिंग और ये लोगो में पर्पल कलर दिख रहा है। लाइटिंग अगर जल जाएगी तो मज़े आ जाएंगे इस लैपटॉप में। सबसे पहले मैं लैपटॉप को ओपन करने से पहले कर लेता हूं मैं इसके पोर्ट्स की बात है। तो फ्रेंड्स, लैपटॉप को ओपन करने से पहले कर लेता हूं मैं इसके राइट साइड पोर्ट्स की बात। तो स्टार्टिंग में अपने को मिल जाता है HDMI पोर्ट और यहाँ 3.1 USB पोर्ट दिया हुआ है और एथरलैन पोर्ट दिया हुआ है। और आगे की तरफ मिल जाता है अपने को टाइप सी पोर्ट, आप डाटा ट्रांसफ़र और अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हो। और अपने हेडफोन माइक्रोफोन के लिए यहाँ मिल जाता है आपको कॉम्बो जैक और आगे की तरफ ही दिया हुआ है SD कार्ड रीडर स्लॉट। फ्रेंड्स, मैं इसके लेफ्ट साइड पोर्ट्स की बात करूँ तो यहाँ अपने को मिल जाता है चार्जिंग के लिए पोर्ट और आगे की तरफ अपने को मिलता है 2.0 USB पोर्ट। अगर आपका लैपटॉप ऑफ ही रहता है तो आप मोबाइल को चार्ज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं इस लैपटॉप के बैक पैनल की बात करूँ तो दो आगे की तरफ छोटी छोटी रबर ग्रिप दी हुई है और पीछे की तरफ एक रबर ग्रिप दी हुई है जो अच्छा स्पेस बनाई हुई है। तो आप लैपटॉप में जब भी आप गेमिंग करोगे तो आपके लैपटॉप को एक कूलिंग बनाए रखेंगी। और यहाँ नीचे की तरफ ही दिए हुए हैं ड्यूअल फैन, इसमें दिए हुए हैं, जब भी आप इसमें गेम खेलोगे तो आपके लैपटॉप में एक अच्छी कूलिंग बनाए रखेंगे। और यहाँ मिल जाता है अपने को विंडो 10 का लोगो जो बताता है हर बार की तरह कि आपके लैपटॉप में ओरिजिनल विंडो है। और फ्रेंड्स, यहाँ दिया हुआ है एयर वेंट। तो फ्रेंड्स, लैपटॉप को कर लेते हैं ओपन। तो फ्रेंड्स, मैं लैपटॉप को ओपन करता हूँ सिंगल फिंगर से और ओपन हो गया है अपना लैपटॉप। तो फ्रेंड्स, जो इसमें ये जो क्वालिटी दी हुई है हिंज की, वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के दिए हुए हैं, इस कंपनी ने प्रोवाइड करवाया है हिंज की क्वालिटी। और सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले की, तो 15.6 की फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले दी हुई है। तो फ्रेंड्स, मैं इसके वेबकैम की बात करूं तो HP ट्रूविजन HD कैमरा विथ इंटीग्रेटेड माइक्रोफोन के साथ यहाँ दिया हुआ है। और बेजल की बात करूं तो बेजल भी बिल्कुल स्लिम ही दिए हुए हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ नीचे की तरफ अपने को मिल जाते हैं, इसमें दिए हुए हैं ड्यूल स्पीकर और क्वालिटी क्या बात है, काफ़ी यूनिक डिज़ाइन दी हुई है आगे की तरफ। इसमें साउंड डिज़ाइन की बात करूँ तो B&O ने प्रोवाइड करवाई है। और यहाँ आगे की तरफ भी दिया हुआ है इसमें पावर बटन
और फ्रेंड्स मैं आपके इसके कीबोर्ड की बात करूं तो अल्ट्रा वायलेट बैकलेट कीबोर्ड दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स इसमें WASD को हाईलाइट किया गया है कीबोर्ड में, और वो तो आप लोगों को पता ही है गेमिंग में यूज आता है। यहाँ ब्रांडिंग दी हुई है पेविलियन की, और व्हाट्सअप सपोर्ट आपको मिल ही रहा है इसमें। अगर आपके लैपटॉप में कोई भी इशू अगर आपको आता है तो व्हाट्सअप पे आप चैटिंग करके अपनी प्रॉब्लम का सलूशन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स मैं इसके टचपैड की बात करूँ तो मल्टी गेस्चर टचपैड दिया हुआ है, और काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का लग रहा है ये मेरे को। और फ्रेंड्स यहाँ दी हुई है बियंडो की ब्रांडिंग। और फ्रेंड्स इस लैपटॉप में सबसे मेन बात करते हैं प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर दिया हुआ है AMD Ryzen 5 3550H। तो फ्रेंड्स यहाँ ग्राफिक्स कार्ड का लोगो दिया हुआ है NVIDIA का GeForce GTX 1650। इसमें डेडिकेट आपको 4GB का ग्राफिक्स कार्ड मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स लैपटॉप को करते हैं बूट, सबसे पहले ऑन करते हैं लैपटॉप को। तो फ्रेंड्स अपना लैपटॉप बूट हो चुका है, और सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी को कर लेते हैं चेक। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो मैं इसका टचपैड यूज़ कर रहा हूं वो काफ़ी मेरे को प्रीमियम क्वालिटी का और बिल्कुल स्मूथ ही ये वर्क कर रहा है। और फ्रेंड्स मैं इस लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं तो विंडो 10 होम सिंगल लैंग्वेज 64-bit में प्री इंस्टॉल आपको मिल जाएगी लाइफ टाइम के लिए। और प्रोसेसर मैंने आपको बताया था। मैं मेमोरी की बात करूं तो इसमें 8GB DDR4 रैम दी हुई है। और फ्रेंड्स मैं इसकी SSD की बात करूं तो इसमें 512GB की NVMe SSD दी हुई है। और लैपटॉप की गेमिंग की परफॉर्मेंस टेस्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स अभी मैंने इस लैपटॉप के अंदर गेम खेले, और मैंने 3 से 4 गेम इसमें मैंने खेले, काफ़ी अच्छे वो चल रहे हैं गेम। और क्वालिटी वाइज मैं क्या बताऊँ, काफ़ी इसकी परफॉर्मेंस भी मेरे को काफ़ी अच्छी लगी इस लैपटॉप की। और मेरे को इस लैपटॉप में जो सबसे अच्छी लगी वो थी इसकी हिंज की क्वालिटी, वो भी ओवरऑल मेरे को काफ़ी अच्छी लगी इसमें। और फ्रेंड्स इस लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है,
और नीचे की तरफ आपको मिल जाते हैं इसमें ड्यूल फैन, जो आपके लैपटॉप में जब भी आप गेम खेलोगे तो अच्छी कूलिंग बनाए रखेंगे। और ओवरऑल आपको इसमें कीबोर्ड की मैं बात करूँ तो कीबोर्ड भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का दिया हुआ है, बैकलिट कीबोर्ड है ही। और मेरे को इसमें टच पैड की मैं बात करूँ तो टच पैड की क्वालिटी मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। तो फ्रेंड्स, इस लैपटॉप की मैं बैटरी बैकअप की बात करूं तो कंपनी 4 से 5 घंटे का बैटरी बैकअप बता रही है। और वैसे आपके यूजेज पे आप कैसे इसे यूज़ करोगे, और मैं इसकी लैपटॉप की वेट की बात करूं तो 2 kg का वेट आपको इस लैपटॉप में मिल जाएगा। ओवरऑल मेरे को तो ये काफ़ी अच्छा लगा ये लैपटॉप। अगर आप ये लैपटॉप परचेज करने की सोच रहे हो तो परचेज कर सकते हो। इसी लैपटॉप में एक और वेरिएंट और आता है, उसमें आपको 8 GB और 1 TB की हार्ड ड्राइव मिल रही है। मैं कंपनी से केवल यही कहना चाहता हूँ, ऐसे लैपटॉप मार्केट में क्यों लॉन्च करिए, क्योंकि गेमिंग लैपटॉप है तो उसमें SSD तो नॉर्मल सी बात है। और मैं फ्रेंड्स आपको यही कहना चाहूँगा, आपको वो 8 GB 1 TB हार्ड ड्राइव वाला लैपटॉप नहीं कर परचेज करना है। आपके मैं मानता हूँ 5-6 हज़ार रुपये ज़्यादा लगेंगे इस वाले लैपटॉप में। जो भी मैंने आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाया, वीडियो क्वालिटी आपको टेस्ट कराई, बहुत सारे व्यूवर्स मुझे ये भी बोलेंगे कि आप अलग से SSD लगा लेंगे या NVMe SSD लगा लेंगे, तो मैं उनको बता दूँ आप लगा तो सकते हो, लेकिन जो इंटीग्रेटेड लगी हुई आएगी उसमें आपको विंडो का बैकअप लेने में बहुत इशू आपको मिलते हैं। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर आप ये लैपटॉप परचेज करने की सोच रहे हो तो आप परचेज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं इस लैपटॉप की प्राइसिंग की बात करूँ तो ये 58 से 59 हज़ार रुपये का आपको आसानी से मिल जाएगा। और अभी आपको तो पता है और दिवाली सेल चल रही है, अगर आपको वहाँ ऑफर मिलता है तो आप ऑफर में भी परचेज कर सकते हो। वारंटी की मैं बात करूँ तो वारंटी आपको 1 ईयर की वारंटी तो मिल ही रही है, अभी इसके साथ ऑन साइड वारंटी मिलेगी आपको। अगर आप वारंटी एक्सटेंड करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये लैपटॉप परचेज करने की सोच रहे हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप इसे परचेज कर सकते हो। और अगर आपको गेम से रिलेटेड और वीडियो अगर आपको देखने हो, और अगर आप गेमिंग लैपटॉप परचेज करने की सोच रहे हो तो अभी मैंने आसूस के एक टफ गेमिंग लैपटॉप की अनबॉक्सिंग की थी, उसका वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा। बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं आपके लिए इसी प्रकार के वीडियो बनाता रहता हूँ, एक वीडियो को अच्छा सा लाइक कर दिया करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।